दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर फैक्ट्री में पेप्सी कैसे बनाई जाती है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप तक ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अद्भुत जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों कोई भी सामान बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक वैसे ही पेप्सी को भी बनाने के लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहले खाली बोतलों को उनके डिब्बों से निकालकर मशीन में डाला जाता है। मशीन में डालने के बाद से मशीन इन बोतलों को अच्छी तरह सफाई करती है। सफाई हो जाने के बाद वही मशीन इन बोतलों को एक पट्टे पर रख देती है, और यह पट्टा इन बोतलों को एक रूम में लेकर जाता है जहां पर कुछ मजदूर होते हैं, और वह लोग पट्टे पर से खराब या टूटे हुए बोतल को बाहर निकालते हैं। उसके बाद से पट्टा आगे बढ़ता है, फिर एक मशीन के द्वारा बोतल की साइज मापी जाती है जिसके अनुसार उन बोतलों में पेप्सी भरा जा सके। उसके तुरंत बाद एक मशीन के द्वारा इन बोतलों में पेप्सी भर दिया जाता है। पेप्सी भर जाने के बाद उसी पट्टे के द्वारा इन बोतलों को और आगे लेकर जाया जाता है जहां पर एक मशीन द्वारा इन बोतलों पर कैप लगाया जाता है। कैप लग जाने के बाद उसी पट्टे के द्वारा इन बोतलों को आगे भेज दिया जाता है, और इस बोतल की अब टेस्टिंग किया जाता है। इस मशीन में पेप्सी की क्वालिटी, उसकी मात्रा और कैप लगी है या नहीं लगी है इसकी चेकिंग किया जाता है। टेस्टिंग पूरी हो जाने के बाद इन बोतलों पर डेट प्रिंट किया जाता है, और यह बोतलें अब बाजार में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों इस फैक्ट्री का सफर कैसा लगा कमेंट में बताइए, और मजा आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और हाँ चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अद्भुत जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।